अब हम आपको परमा एकादशी की, पुरुषोत्तमा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिबानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्रावीशत गीति कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयंतीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकंकरतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवर कांतिमिन्दुवदनं बर्हावतंस प्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह स्वीयानांतान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहु। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनम्। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षेराब्दिसायिनं लक्ष्मीशस्त्रलीलाभि सेव्यवानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदारदये मम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी सी राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर
मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की है। उनमें एक पुराण आता है पद्म पुराण। पद्म पुराण को भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय स्थल माना गया है। और इसी पद्म पुराण में परमा एकादशी व्रत की कथा आती है। और यह कथा सबसे पहले श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य वन में संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऋषियों, एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे प्रभो, मुझे कृपा करके अधिक मास पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में आप बताने की कृपा करें। इस व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म क्या है तथा व्रत की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अधिक मास पुरुषोत्तम मास, मल मास, लौंद मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और उस एकादशी के महत्व के विषय में जो बताया गया है उसमें लिखा हुआ है कि कांपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा विद्वान ज्ञानवान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही धर्मवान और अच्छी कार्यों को करने वाले थे। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपत्ति अत्यंत दरिद्रता यानी गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों धन के कारण बहुत परेशान थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की निरंतर सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर के स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी निर्धनता का जीवन व्यापन कर रहे थे, यानी घोर गरीबी उनके घर में थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूं तो वह धन देने के लिए मुझे मना कर देते हैं और हमारी गृहस्थी धन के बिना नहीं चल पा रही है। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर के कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वह मानना चाहिए और करना भी चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने पिछले जन्म में धन का दान करेगा तो निश्चय ही उसको अगले जन्म में धन की अपार प्राप्ति होगी, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है तो प्रभु हमको कैसे सुख दे सकते हैं। प्रभु जिसने अन्न का दान किया है उसको केवल अन्न ही देते हैं, जिसने धन का दान दिया है उसको धन देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी भार्या हूं, आपकी पत्नी हूं और आपका विछोह, आपकी दूरी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। पति के बिना स्त्री की माता पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे नाथ, हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं पर नहीं जाइए।
जो भाग्य में होगा वह यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह को मान करके ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार गरीबी में अपना जीवन यापन वह निरंतर करता रहा। एक समय की बात है कि वह अपने गृहस्थ कार्य में लगा हुआ था और अचानक उसके यहां पर कौंडिन्य ऋषि का आगमन हुआ। कौंडिन्य ऋषि को देख करके ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी ने खड़े होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आज हम धन्य हुए हैं, आप जैसे महर्षि के दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, हमारा जीवन सफल हो गया है। उन्होंने कौंडिल्य ऋषि को एक सुव्यवस्थित सुंदर आसन पर बैठाया, उनका बहुत आतिथ्य किया, सत्कार किया, उनको भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप पुण्यवान हैं, कृपा करके आप मुझे गरीबी का नाश करने वाला यानी दरिद्रता को मिटाने वाला कोई सर्वोत्तम व्रत बताइए, कोई सर्वोत्तम विधि बताइए कि जिससे हमारी गरीबी नाश हो जाए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है, मेरे भाग्य से आप यहां आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे घर और परिवार की दरिद्रता का नाश कर देंगे जिससे हमारे घर में जरूर खुशहाली आएगी, क्योंकि आप जैसे संत के ऋषि के चरण हमारे घर में पड़े हैं तो निश्चय ही आज हम धन्य हो गए हैं, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई श्रेष्ठ उत्तम उपाय बताइए। तो ऋषि कहते हैं, सबसे पहले ऋषि ने एक श्लोक सुनाया और श्लोक में उन्होंने कहा कि परमानाम विख्याता विष्णु स्थिति रनुत्तमा मलिम लुचे तुया कृष्ण भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। इस प्रकार ये श्लोक में यह बताया है और अगला श्लोक जो आता है उसमें लिखा हुआ है, तस्या उपोषणम कृत्वा धन धान्यम युतो भवेत विधि ना जागरे है साकम गीत नृत्यादिकम चरेत। इस प्रकार ये दो श्लोक कौंडिल्य ऋषि ने उन ब्राह्मण दंपत्ति को सुनाया। इसका भावार्थ ये है कि हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख और दरिद्रता निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस परमा एकादशी का व्रत करता है वह निश्चय ही धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण भी करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव को देने वाली एकादशी है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति को प्रदान करने वाली एकादशी है। देवताओं के धनाध्यक्ष धनापति कुबेर भगवान ने इस एकादशी का व्रत करके ही भगवान को प्रसन्न करके, भोले बाबा को प्रसन्न करके, विष्णु भगवान को प्रसन्न करके धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। इसी कारण से उनको धन कुबेर की उपाधि मिली हुई है। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद को पुत्र और राज्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें परमा एकादशी व्रत का समस्त विधि विधान कह करके सुनाया। ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विधान पूर्वक एकादशी व्रत आरंभ करो और यदि आप पंचरात्रि व्रत करना चाहते हो तो इसी दिन से आपको पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी से लेकर के अधिक मास समापन की अमावस्या तक इन्हें 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं, वे अपने माता पिता और स्त्री सहित पूरे परिवार के साथ में इस संसार में बहुत सारा सुख भोगते हैं, बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं, वैभव प्राप्त करते हैं, अपार संपत्ति और अटूट दौलत उनको प्राप्त हो जाती है और पूरे परिवार के साथ में वो सभी स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते हैं, वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या के समय यानी सूर्यास्त के बाद शाम को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। एकादशी को छोड़कर के अन्य दिनों में आप शाम को ही भोजन करें
क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस दिन केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। जो मनुष्य इन 5 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा और ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, वह संसार के समस्त देवी देवताओं को, ब्रह्मांड के समस्त अधिपतियों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों को दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को इन 5 दिनों तक तिल का दान करते हैं, वे तिल की संख्या के बराबर उन वर्षों तक भगवान श्री विष्णु जी के लोक में, यानी वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र का दान करते हैं, वह सूर्य लोक में जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वे देवांगनाओं के साथ में स्वर्ग में निवास करते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ परमा एकादशी का व्रत करो और इसके साथ साथ पंचरात्र व्रत भी धारण कर लो। इससे तुम्हें अवश्य ही परम सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद वैकुंठ लोक की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मणी और उनके पति, दोनों पति पत्नी ने परमा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और उसके साथ ही अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पंचरात्र व्रत को भी उन्होंने धारण किया। यानी एकादशी से अमावस्या तक जो पंचरात्र होते हैं, उनका भी उन्होंने धारण किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहां आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन ब्राह्मण दंपति को, पति पत्नी को रहने के लिए दान में दिया। उसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव भी उन्हें दान में दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की पूरी जो गरीबी थी, दरिद्रता थी, कंगाली थी, वह समाप्त हो गई और इस पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे दोनों पति पत्नी श्री हरि विष्णु के उत्तम लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर गए। इस प्रकार परमा एकादशी की इस कथा को जो कोई भी मनुष्य सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, इच्छाएं जरूर ही पूर्ण हो जाती है और प्रचुर मात्रा में उसको धन की प्राप्ति होती है, स्थाई लक्ष्मी की उसे प्राप्ति होती है, 10 प्रकार की दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन उसके घर में होता है तथा अखंड साम्राज्य, अपार दौलत उसे मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पर परमा एकादशी की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदरियम ने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर जय जय श्री राधे श्याम। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किसकी, स्वामी शरण गहु में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, अस करु में किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधा मिला हूँ दयामय, किस विधा मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश,
जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे मोहन, जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट बंसीवाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकायै कपालमालांकृतशेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायः तनोहरिः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ॐ मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयम् वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम महाराजमाधिपत्यमयम समन्त पर्यायै स्यात् सर्वभूमः सर्वायुष अन्ता परिवेष्ठारो मरुतस्यावसंग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति च विद्महे जगतमाताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीताबल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सेवन्तिका वगुल चंपक पाटलाब्दे पुंडागजाति कर्वे रसाल पुष्पैः विल्व प्रवाल तुलसी दल बाल तेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव
त्राहि माम राधिका नाथ सर्व पाप हरो हर, सर्व पाप हरो हर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप परमा एकादशी के निमित्त या पुरुषोत्तम माह के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्रदान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी दान पुण्य यदि आप एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं इससे तो नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर से भेज करके परमा एकादशी का, अधिक मास का, पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, तथा प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान ऑल पर क्लिक करके और इसी समय टच कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।